हम काम करते हैं, हमारे सर्वे के दौर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। हमें मास्क नहीं मिलता, सैनिटाइजर नहीं मिलता, हम खुद अपने तरफ से यूज करते हैं मास्क सैनिटाइजर लेके, और उसके बाद सैलरी का टाइम आता है तो सैलरी के कहते यहाँ से नहीं आया, वहाँ से नहीं आया, हमें क्या पता, हमें तो आपने रखा है तो हम काम करके आपको दे रहे हैं ना, हम काम करके दे रहे हैं, हमारी पॉइंट पॉइंट बना दिया, पॉइंट हमें नहीं चाहिए। हमारी मांग है कि हमें पॉइंट नहीं चाहिए, हमारी सैलरी 10,000 होनी चाहिए। कोविड के टाइम पे हमें ना सैनिटाइजर मिला ना मास्क मिला, हमने खुद किया, हमारी आशा बहनें इतनी सारी कोविड में खुद भी इन्फेक्शन होने हो गया, फिर भी हमने काम करके दिया है और सैलरी हमारी टाइम पे नहीं आई है। और यहाँ आओ तो एन में हमें सुनाती हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, हमारी सैलरी कभी टाइम पे नहीं आती है, कभी टाइम पे नहीं। और सैलरी 3,000 रुपये आज की डेट में 3,000 रुपये क्या है, 3,000 रुपये में घर का खर्चा भी नहीं चलता, फिर भी पॉइंट जुड़ता है, 5,000 में भी घर का खर्चा नहीं चलता, फिर भी हम मेहनत करते हैं, उस पर भी मेहनत करते हैं, घर चलाते सब। वोट का टाइम होता है, मैं राजनीतिक नहीं कर रही, वोट का टाइम आता है, नेता बोलते वोट दो वोट दो, और जब हमारी सैलरी का टाइम आता है सबकी सैलरियाँ बढ़ाते, एनमो की बढ़ाते, आंगनवाड़ी की बढ़ा दिया, और हमारी आशा वर्करों की क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आशा वर्कर मेहनत नहीं करती? आशा वर्कर ने जहाँ जहाँ आशा वर्कर इतनी काम करके दिखाएं, सबसे नंबर 1 पे आशा वर्कर है, फिर भी आशा वर्करों की सैलरी नहीं बढ़ी है।